पलमेर में क्या माजरा हो गया, जंगल का ज़्यादा हरा हो गया, शेर व शायरी ज़्यादा नहीं आती है। फरवरी ने अपना असर दिखा दिया है, माइनस 3-4 दिन से होने लगा, डेवलप होने लगा, -1°C, -6°C हवा बहुत चल रही है, इसलिए ब्लोइंग स्नो है, चलना मेरा थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इस दफ़ा अभी तक जो है ना सही मैं वेदर को फिल्मा ही नहीं सका हूँ, तो सोचा आज फिल्मा लूँ। और तारीख हो गई है आज 15 फरवरी, 5 रजब, और दिन हो गया जुमरात का, शाम हो चुकी है। ये इतनी आसमान पे जो रोशनी रोशनी नज़र आ रही है सारी रिफ्लेक्शन की वजह से होती है, तो इस वजह से ऐसा फील हो रहा होगा, नहीं नहीं अभी तो कोई दिन के 11-12 बजे, नहीं ऐसा नहीं है। लाइव मनाज़र देखें आप, टोरंटो से बाहर स्कार्बरो के मेरे इस तरफ आ रहा है कि कुछ नज़र नहीं आ रहा, बिल्डिंग से नज़र आ रही है, 17-18 किलोमीटर दूर, यानी कि थोड़ा सा डायगोनल वेस्ट साउथ में टोरंटो डाउनटाउन है, 18 किलोमीटर दूर। ब्लोइंग स्नो है आज, तो 3-4 दिन से माइनस टेम्परेचर हो गया था, वरना उससे पहले तो अभी जो 4 दिन पहले जुम्मा हफ्ता गुजरा तो उसमें तो बिल्कुल 9 डिग्री और 15 डिग्री और 10 डिग्री और रात में भी 5 डिग्री हो गया था। और इसमें एक बात यह है कि इतवार की सुबह मैं निकला तो मैंने सोचा सुबह ही सुबह फिल्माएं, बिल्कुल सूरज निकलने से भी पहले, तो मैंने फिल्माया तो -1 समथिंग था, और वैसे वो काफ़ी इज़ लाइक -4-5, ठंड लग रही थी ना, हवा चल रही थी, हाथ फ्रीज हो रहे थे मुझे, इतने दिनों में बल्कि इतने हफ्तों में ग्लव्स पहनने पड़े, तो उसी वक्त मुझे आसार लग गया था कि जो है ना ठंड आ रही है, क्योंकि इर्द गिर्द का पूरा समझ लो जहाँ भी वेदर सिस्टम होगा, ये तो वैसे इर्द गिर्द दिखा रहा हूँ वेदर सिस्टम, सौ किलोमीटर दूर होंगे, वो जहाँ घूम घाम के जा रहा होगा तो आगे भी कहीं ना कहीं असर आ रहा होता ना, एक आदमी जैसे हमारे पाकिस्तान में कचरा वचरा जला देते, आगे कहीं दूर कचरा जला रहा हो तो उसके धुएं की स्मेल वगैरह आपको आने लगेगी, उसकी जितनी शिद्दत होगी हो सकता है धुआँ आपके घर भी आपके पास भी आने लग जाए। तो भाई एक बार फिर खुश आमदेद, और हीरो गिरी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि कैब पड़नी पड़ेगी, सब पे लग रही है काफ़ी, और ब्लो होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि ये आँखों में आ रही है, सामने देखना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और बैकग्राउंड में ये एमरजेंसी व्हीकल्स की आवाज़, ये सबूत है, ये देखो कितनी ब्लो हो रही है, सबूत है कि महामारी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आज सूरज निकला था 7:16 और 5:46 पे तकरीबन सूरज आज गुरूब होगा। ब्लोइंग स्नो देख लो आप, यहाँ मेरे सीधे हाथ से उल्टे हाथ की कितनी तेज़ जा रही है, और कैप मुझे पहननी पड़ जाएगी वरना काफ़ी गड़बड़ होने लगेगी, वो ठंड मुझे महसूस होने लगी है अपना, और यह ब्लोइंग का साथ देख रहे हो, इस साथ से पड़ रही है ना, तो इस तरफ की मेरी मोस्टैश है, स्टैश पे ज़्यादा सफ़ेद बदाम जमी हुई है। अब इस हाथ से उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ गिरने लगी है, क्रॉस होने लगी है, ऐसा बिल्डिंग मैनेजमेंट वाले रास्ता क्लियर कर रहे हैं, गिर गया तो गले ना पड़ जाए। तो फाइनली जैसे पता लग रहा था वेदर की रिपोर्ट्स वगैरह में कि जो है ना
रेयर विंटर इस दफ़ा का, रेयर बर्फबारी आ रही है, वो आ गई है। पिछले एक हफ्ते सात आठ दिन पहले मैंने देखा था तो इस वीकेंड के करीब यही दिखा रहा कि -9 वगैरह हो जाएगा, -13 हो जाएगा, फ्लैट फ्लैट। अभी तो जुमरात है यानी अब से डेढ़ दिन बाद हफ्ते के दिन तक। लेकिन थोड़ा सा ये हुआ कि -9, -13, -10 वो थोड़ा सा साइड पे हो गया, शायद टचिंग उसको करे, लेकिन बर्फ़बारी का नहीं मैंने देखा था। बहरहाल अब कल से एकदम से आने लगा कि बर्फ़बारी आ रही है और अब आ भी चुकी है। के मनाजे ये लोग एहतियात नहीं करेंगे, लग रहा है इस पर फिर चुकी है। ब्लेड जो है ना बर्फ साफ करने वाला, अभी रास्ते वगैरह कुछ नजर नहीं आएंगे। अपनी जैकेट टाई अप कर लेते हैं। इसके बाद भी जो वेदर दिखा रहा है काफ़ी दिन तक वो मनफी और प्लस के दरमियान आँख मछली खेलेगा। तो कल जो मैंने प्रेडिक्शन देखी, एक ऐसा धुआं धुआं हवा के प्रेशर की वजह से उड़ रहा, कल जो मैंने देखा था उसमें बता रहा था कि लेट इवनिंग तक ये थम जाएगा और ये जो है ना वेस्ट ऑफ GTA, वैसे मैं GTA में हूँ, GTA फिर ये स्कारबो नॉर्थ यॉर्क ईस्ट यॉर्क फिर टोरंटो फिर इटोबिको मिसिसागा और आगे चले जाए तो सारा GTA है ना, तो GTA के वेस्ट में यानी मिसिसागा वगैरह से भी आगे और इधर नॉर्थ में यानी मार्कम वगैरह से भी आगे इस तरफ इसका असर ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। और भाई बालों की हालत भी देख लो। आज थोड़ा सा फिनोमिनन कल रात में एक अपना कुछ फिल्म आ रहा था तो उसमें मैं यही जिक्र कर रहा था कि बर्फबारी जो होती है तो टेम्परेचर थोड़ा सा जो है ना प्लस की तरफ आ जाता क्योंकि -2, -3, -5 एक दो दिन से हो रहा था दिन में सुबह का टाइम। अभी जो है -1 के फीस लाइक -6 है तो एक तो -1 के 0 के करीब आ गया, दूसरा ये कि ये जो फीस लाइक -6, -1 और -6 का डिफरेंस ये हवा के असर की वजह से शाम तक ये -2 से -10 और -3 से -11, -12 तक फीस लाइक चलाएगा, इतना स्प्रेड फैल जाएगा, यकीनन हवा और तेज़ हो जाएगी तभी ऐसा होगा। बर्फबारी क्योंकि इस दफ़ा हमने इतनी चखी नहीं है तो मंजरनामा काफ़ी खाली खाली है कि लोग बोलते हैं चलो थोड़ी अवॉइड करो, जब मुस्तकिल बार बार होने लगती है तो फिर तो ज़िंदगी गाड़ी चलानी है ना, चलती रहेगी। आपने गौर किया उसकी गाड़ी कैसे स्लाइड हो गई, ग्रिप ही नहीं होती, वो उधर मुड़ना चाह रहा था, कहाँ चली गई थी गाड़ी। तब बर्फ़ काफ़ी नरम नरम है साइड पे, उधर गाड़ियाँ चल रही थी प्रेस ओके हार्ड हो चुकी है रोड। अगर बर्फ़ की लेयर जो है ना ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा पड़ जाती है तो फिर उस तरफ चलना, रोड पे चलना बेहतर होता है क्योंकि प्रेस हुई भी होती है, यहाँ पे कदम रखना उठाना बहुत मुश्किल होता है। अभी से मैं अपने RDI से ही चल रहा हूँ, ये मंजरनामा भाई अपन का इस दफ़ा। मैं इस तरफ आते हुए वीडियो बना रहा हूँ उसमें जगह जरूर शूट करता हूँ।
खामोशी है यार। देखो उस बंदे की यार, सर्दी है तो गुलहरियाँ वगैरियाँ सब गायब हो गई, बड़े दिनों से गश्त कर रही थी। हालत देख रहे हैं, कितनी पता बारी में गाड़ी की कितनी स्पीड है, मतलब कितनी स्लिप हो रही है वो ना। हीरो गिरी बहुत हो गई अपनी भाई, ये अपनी कैप में पहन लेता हूँ। अच्छा ये जो एक कोई समझे ना कि बर्फबारी हुई तो इसका मतलब है कोल्ड होगा, इसका मतलब है माइनस के करीब तो होगा, कोल्ड होना ज़रूरी नहीं है। और अभी बिल्कुल रिसेंट पास्ट में इसकी मिसालें यहाँ पे हो चुकी है, ये बहुत बर्फबारी हुई, 15 सेंटीमीटर हुई, ये हुई वो हुई, और उसके फौरन बाद जो है बर्फबारी हो गई, और बर्फबारी हो गई सारी बर्फ साफ सब निकल गई, बर्फबारी हुई उसके में बारिश में कन्वर्ट हुई, स्लज सा कीचड़ सा बना, सब बैगियाँ निकल गया। अब वॉक करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि यहाँ बर्फ के लिए ज़्यादा थिक पड़ चुकी है। लाइव बर्फबारी के मनाज़िर का मैं मेरी अल्लाह
ओ मेरे अल्लाह, तो भाई आप देख रहे हो कि मैं गिरा, मैं इसमें स्टक हो गया, मेरा पैर ये आप देखो, और जो मुझे लगी है वो मेरे अल्लाह, ये देख रहे हो मेरे गिरने की वजह से, ओ मेरे अल्लाह, ये सारा आप देखो क्या, ओ अल्लाह, भाई नहीं पूछो, अल्लाह ने बचत कर दी, इर्द गिर्द कोई भी था, मैंने इतना इशारा किया लोगों को, आवाज़ चीख नहीं लगाई, जूता, क्योंकि पैर इंसान का ऐसे होता है तो जूता अंदर स्लाइड कर गया, पैर स्लाइड कर गया, फंस गया, तो पहले पहले अल्लाह ने किया, मैंने उसमें से जूते में से पैर स्लाइड कर लिया ना बाहर, और फिर जूता निकाल लिया। ओ भाई बहुत ज़ोर की मेरे टखने के ऊपर लगी है इस जगह पे, अल्लाह, यार इतना शदीद दर्द है, यानी पिंडली कहते हैं इसको ना, अभी यहाँ पे कहीं रुक भी नहीं सकता, सॉक्स भी सारा, क्योंकि जूते से पैर को निकालना पड़ा, पैर निकाला तो जाहिर है सारा बर्फ़ में, जो मैंने आपको होल दिखाया मेरा, सॉक्स वो हो गया, डूब गया, भर गया, फिर मैं पैर को दबाऊँ पकड़ूँ बर्फ़ साफ़ करने की कोशिश की, फिर पैर मेरा बर्फ़ में पड़ गया, अब खड्डे में नहीं पड़ा, बर्फ़ में पड़ा, तो इतना मॉइस्ट सोक्ड हो गया है, वरना मैं ऐसे मौसम में ना अपने पॉकेट्स में ग्लव्स, स्कार्फ, फ्लीस वाली कैप, अभी मेरे पास फ्लीस वाली नहीं है, ये नॉर्मल है, -1-5 तक चल जाती है, बारिश वारिश के मौसम में नहीं चलेगी, फ्लज वाले मौसम में नहीं चलेगी, और एक पेयर ऑफ सॉक्स रखता हूँ मैं ना, क्योंकि बार दफ़ा मैंने ऐसे शूज़ पहने हुए थे जो मॉइस्चर जो है ना थोड़ा बर्फ़ में चलने के बाद सोक कर रहे थे, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि भाई एक पेयर ऑफ सॉक्स होना चाहिए, ऐसे वॉक करनी है, कहीं काम से ही जाना है बंदे को यार, एक और ट्रक आ गया बर्फ का, अब तो टी शर्ट पहन के बैठा हुआ अंदर, यार ये क्या है यार। अच्छा उसके जो ना उस किनारे तक छोड़ के आया, घर तक छोड़ के आया जैसे कहते हैं ना, तो पहले यहाँ पे आइस वाइस में कई दफ़ा
शूट करता रहा हूँ कि ये डिच है गंदे पानी का या बारिश के पानी का निकास का नाला, गटर के पानी का तो नहीं, बारिश के पानी वगैरह का निकास का नाला है, कि पानी पड़ा होता काफ़ी टाइम तक प्लस टेम्परेचर होने के बावजूद उसमें क्रिस्टल जैसी बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो पिघल गई। अब तो उसका सवाल ही नहीं, अब तो वैसी बर्फ़ पड़ गई है। मेरे अल्लाह रहम फरमा, बहुत दर्द हो रहा है यार उससे ऊपर, क्योंकि ये कहते हैं ना सर्दी में या ताज़ा या गर्म चोट होती है आपको सख्त पता लगता। अल्लाह रहम करे यार, ये मनाज़िर देख लो, ये इस वक्त इस सब से यूँ क्रॉस हो रही है वही हवा का, लेकिन खैर ये इनकी छतों में पड़ी होगी हवा चलने से ना, ये वो ज़्यादा आ रही है। ये परिंदे क्या कर रहे हैं इस वक्त, उनको क्या हुआ? इतने सारे जमा हुए हैं यहाँ पे, ये उस वक्त उस तरफ मेरे मिडलैंड अभी नहीं चल रहा है। खुद की गाड़ी देखो कैसे स्लिप हुई, आपने देखा? ऐसे बर्फ क्लियर कर रहा है, ये खुद स्लाइड हो रहा था लेकिन खुद गिर रहा, दूसरे को डूबने से बचा रहा है। क्या बात है दोस्त,
अभी थोड़ा सा पहले मेरे ख्याल में एक मिनट पहले मैं फिर एक खड्डे से मैं पड़ गया था, लेकिन वो लग रहा है फुटपाथ के बजाय ग्रीन उस पर पैर रख दिया होगा मैंने। वो बकायदा डिच होल था यार, ये कब वहाँ था पर आपने कैसे पता लगेगा बकायदा होल इतना बड़ा बना हुआ है। अब ये जो बर्फ़ है इसमें इतने टाइम से मसाला लगा पड़ा था, ढेर पड़ा हुआ था, अब उसके बाद किसी ने स्प्रिंकल कर दिया चाट मसाला वगैरह, तो ये सब डालो भैया। फुटपाथ का स्टेप आएगा और ये गटर का स्टेप आएगा, गटर का स्टेप नहीं गटर का ढक्कन है। ये आप इस तरह घर देख रहे हैं कि ब्रिक्स ही लगी, ये लगी। अब सवाल ही पता नहीं होता है ब्रिक्स के बने हुए, अब बने हुए हो तो इतना भी मैं बड़ा चैलेंज नहीं दे सकता। टोटल लकड़ी का छकड़ा इस स्ट्रक्चर, मतलब ये इनके आगे निकला हुआ देख रहे हैं, इसमें गाड़ी वाड़ी की मार देना सब दीवारें वारे सब जा जाएंगे। थोड़ा बहुत फिर ग्रिप होके मजा आ गया यार। देखिए
वाला सर कहाँ से चला ले आ रहा भाई। कचरा ले जाने का मौसम इसको कोई बोलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा स्लिप हुआ मैं, ट्रैफिक की सूरत हाल दोस्तों, अपन निकलते हैं। साथ देने का जाने का कोई दे ही नहीं था। कैसे निकले यार, कहाँ फंस गए? लग रहा है थोड़ा गुंजाइश बनेगी। इसके पास कौन सी गाड़ी है भाई, ये चलता चला रहा है इस स्पीड में? तो आज भाई बड़ा ये रिस्की काम हो गया जो मैं ऐसे निकल खड़ा हुआ और उसमें मेरा पैर पड़ा है। बेशक अल्लाह ताला ने बचाया, दर्द ऐंठन बहुत है। अब ये बाद में मसला ना हो, मैं देखता हूँ पहुँच के वापस के कुछ स्वेलिंग या कुछ तो नहीं है। तो नामुमकिन हुआ इस बर्फ पे चढ़ना भाई, ये कैसे? उधर तो मैं चला हूं, बड़ी महंगी पड़ जानी थी आज मुझे वॉक यार। ये अभी दो तीन दफ़ा बीच में जो बस की गाड़ी नज़र आई, शुरू में एक वैसे गाड़ी नज़र आई जो स्लिप हुई, स्लिप हो रही थी खुद, उससे आप अंदाज़ा लगा लो। ये देखने में नहीं लग रहा इतना डेंजर, लेकिन आप देख लो मेरी तो हवा निकल गई इस बर्फबारी में चलते चलते। ये मंजर नाम है क्या? ऐसे में सबवे ट्रेन वगैरह भी बंद हो जाती है, वैसे तो ये बंद हुई है। स्कार्बो आरटी है, स्कार्बो रोड ट्रांसपोर्ट, ये वैसे ही बंद है, पुरानी हो गई थी। इस तरफ भी बैकग्राउंड में नजर आ रही होगी पटरी, क्योंकि स्कार्बो में अब जो सबवे प्रॉपर टोरंटो का वो बढ़ाया जा रहा है, वहाँ तक लाया जा रहा है, स्कार्बो तक फैलाया जा रहा है। और इस सारे कहानी में मैंने ये तो नोट ही नहीं किया काफ़ी देर से,
के सिवाय ये जो रोड के गिर रही हो सकता है बर्फ भी हो, मुझे लग रहा है ये इधर से उड़ के आ रही है, बर्फबारी बंद हो चुकी है। बहरहाल पुलिस वाले के मजे देखो, तो तानी उतार देगा किसी की। मैं मजाक कर रहा हूँ, ये भाई भी मजे से जा रहा है, और ग्रीन गाड़ी वाले की तो क्या ही बात थी। मुझे एकदम से ऐसा फील होने लगा मैं फुटपाथ से नीचे उतर गया। वैसे जो मैं उसके खड्डे में जा रहा, तो टखने में भी दर्द हो रहा है यार। मैं पहले समझ रहा था कैसे एंगल से पैर पड़ा, अल्लाह खैर करे। तो इसमें एक दुनियावी तौर, यानी दुनिया की जो तदबीर होती है करनी है, अभी क्योंकि ऊपर बर्फ पे चढ़ते भी मैं स्लिप हुआ, मेरी कलाई में थोड़ा जो है ना बैंड हुई और उसमें भी तकलीफ शुरू हो गई। वो ये कि हमने इतनी लेयरिंग की होती है, जैकेट और ये वो पहनी होती है ना, अब ये पैडेड जूते हैं जैसे, इससे भी किसी हद तक बचत हो जाती है। बाकी बचत हो ना हो वो तो अल्लाह ही जानता है। थोड़े से में भी इंसान तेल हो जाए और बड़े बड़े से बाहर निकल आए। उतरते भी थोड़ा आसान ये रहता है, वैसे डेंजर तो है कि इसमें बर्फ़ के ढेर में ना पैसे प्रेशर सा बना के ना ग्रिप सी बना ले तो ढेर आगे आनी भी। भाई ये चैनल एक्टिविटी है सुबह से शाम तक ज़िंदगी में होता है, ये बस जो है ना शेयर करना, उससे बात करना मुझे अच्छा अच्छा लगता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना, नहीं भी पसंद आए आ गए हो गुजर जाते आते कमेंट करके बता दो। और अब तक का प्यार ख्याल रखो, मिलते हैं अगली वीडियो में।